पापा जी, आपको इतनी भी तमीज नहीं है क्या कि मैंने अभी पोछा लगाया और आप गंदे पैर लेके जा रहे हो? अरे आप छोटे बच्चे हो क्या? हर चीज आपको छोटी छोटी समझानी पड़ेगी। बाबू, नहीं मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ यार, मेरा खाना पैक कर दो। ठीक है बेटा, भी कर देते हैं। मम्मी एक बात बताओ, सारा दिन आप करते क्या हो? आपसे टाइम से नहीं उठा जाता क्या? अरे आपको एक छोटा सा काम दे रखा है कि इनको नाश्ता बना के दे देगा, ऑफिस के लिए वो लेट हो रहे हैं और अब तक नाश्ता नहीं बना। हाथों पैरों में जंग लग गए क्या आपके? क्या हो गया, कुछ परेशान से देख रहे हो? कुछ नहीं। नहीं, चेहरे से तो परेशानी लग रही है। आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। बहू की बात का बुरा मान रहे हो क्या? उसकी बातों को दिल पर मत लो, तुम्हें पता तो है वो कैसे बोलती है। ऐसी जबान है उसकी तो। ये लो चाय पियो। पापा, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। वो जो गीत की बहन है ना, उसकी शादी तय हो गई है और रिश्ता भी ना गीत के मम्मी पापा ने हमारे ही शहर में किया हुआ है। तो वो कह रहे थे कि आपका ना घर चाहिए हमें, तो मैंने उनको बोल दिया कि ठीक है ले लेना, शादी के बाद वो वापस हमें दे देंगे। भाई हम क्यों अपना घर छोड़ें? उनको बोलो वो किराए के मकान में रहेंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं भी। पापा मैंने आप लोगों के लिए भी किराए का घर देख लिया है, आप 10 से 15 दिन के लिए उधर शिफ्ट हो जाइए। हम कहीं नहीं जाने वाले, उनको बोलो वो जाएंगे। ऐसा है पापा, मैं उनको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि आप आ जाना इस घर में, अब अपना अपना देख लेना। देखा, जिन बच्चों के लिए हम इतना जीतना मरते थे, आज कैसे बात कर रहे हैं हमसे? मतलब उसके ससुराल वाले उसके लिए सब कुछ हो गए, हम कुछ नहीं है। ठीक है, बताता हूं मैं भी नहीं। चलो गीत। आशीष भाई, ये चिट्ठी और ये चाबी आपके पापा दे गए थे। बेटा आशीष, मैं तेरी माँ दोनों चारों धाम की यात्रा पर जा रहे हैं और एक चाबी जो तुम्हें दी गई है वो इस मकान की नहीं है, दूसरे मकान की है जो काफ़ी टाइम पहले मैंने खरीदा था, तुम्हें नहीं बताया। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये मकान पसंद आएगा, अगर नहीं पसंद आया तो अपने हिसाब से अपना मकान देख लेना। ये मकान नहीं है, ये घर है, ये तेरी माँ का और मेरा घर है। इस घर में से हमें कोई नहीं निकाल सकता, इसलिए बात मेरी होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन तेरी माँ की आंखों में आंसू ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए ये फैसला ले रहा हूँ। तुम्हें पसंद आता है फ्लैट तो ठीक, नहीं तो अपना देख लेना। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा।